हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर एक्स मेडी हेल्थ। फ्रेंड्स, जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन की समस्या है या जिनके बालों में डैंड्रफ, स्कैल्प रूसी हो गई है और काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। कृपया वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कीटो मेडिकेटेड सोप के बारे में। दोस्तों, कीटो मेडिकेटेड सोप को मेडमैन और ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरर करती है। इसकी एमआरपी की बात करें तो 105 रुपये एमआरपी है और ये 50 ग्राम का साबुन है। इसमें 100 ग्राम भी आता है जिसकी एमआरपी 160 रुपीज़ है। इसमें कीटाकोनाजोल 2% होता है। दोस्तों, ये सोप कोई नॉर्मल सोप नहीं है, ये कीटाकोनाजोल मेडिकेटेड सोप है जिसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही यूज करना चाहिए, क्योंकि कीटो सोप में कीटाकोनाजोल ड्रग पड़ा है जो एंटी फंगल संक्रमण को ख़त्म करता है। मतलब कि त्वचा पर होने वाले दाद, खाज, खुजली, जहां ग्रोइन एरिया होता है या प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां पर खुजली हो गई है, बालों की रूसी है और डैंड्रफ हो जाती है, वहाँ ये बहुत अच्छा काम करता है। वैसे कीटाकोनाजोल साल्ट में शैम्पू भी आता है जो डैंड्रफ और रूसी के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। दोस्तों, कीटो सोप यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं, कीटो सोप को आप आँखों के पास ना लगाएं, इसको आँखों से बचाएं, बाकी पूरे शरीर पर आप लगा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कीटो सोप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट जो कॉमनली देखे गए हैं, त्वचा का रूखापन हो जाना, ड्राई यानी हो जाना, और उसके अलावा अगर कहीं थोड़ा सा इफ़ेक्ट करता है तो इस जैसे जलन वगैरह होने लगती है त्वचा पर, इरीटेटिंग इचिंग होने लगेगी, तो वहाँ आप इसको बंद भी कर सकते हैं। बाकी साबुन बहुत अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको इन कंडीशनों में यूज कर सकते हैं जहाँ दाद है, खुजली है, एक्जिमा है, स्कैल्प है, तो वहाँ इसको आप यूज कर सकते हैं एज ए मेडिकेटेड सोप। बट आप इसको कॉमनली यूज ना करें, जब तक ये दिक्कत है तब तक आप यूज करें। उम्मीद करता हूँ कीटो सोप के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।